नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोकेमॉन सोर्ड एंड शील्ड रैंडमाइज्ड हार्डकोर मोड के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। और समय आ गया है भाई टीम रॉकेट को एक्सपोज करने का, उनके डर्टी प्लान्स को एक्सपोज करने का, साथ ही साथ उनकी पिटाई करने का और भाई क्यूबॉन को बचाने का। एंड देख सकते हो यार तुम लोग कि हम लोग उनके हाइड आउट में आ गए हैं और यहाँ पे देख रहे हो भाई कितने अंधे इसके भाई ग्रंट लोग हैं। भाई मैं उसके बगल से पार हो गया लेकिन भाई वो मुझे देखा ही नहीं। यार मैं तो सुना था अंधा कानून होता है लेकिन यार यहाँ तो चोर भी अंधे हैं भाई। ऐसे में यहाँ पे खोज रहा था कि यार कुछ काम का सामान मिल जाएगा तो, लेकिन यहाँ पे भाई रास्ता ब्लॉक है, इधर तो नहीं जा सकते, सो इधर चलते हैं। एंड मैं सोच रहा था इससे बच लूँ भाई, बेकार में ग्रंट व्रंट से बैटल नहीं करना चाहता क्योंकि यहाँ इतने ग्रंट है कि भाई देख सकते हो जिस पाथ में जाओगे वहाँ ग्रंट ही भरे हैं। मैं इससे बात करता लेकिन, एंड ये क्या ये बोल रही है, ये एक स्पाई है जो कि अंडरकवर मिशन में, जो कि ब्यूटीफुल भी है। वाह यार अपनी तारीफ करना कोई इनसे सीखा। और मैं यार डर के मारे बोलता हूँ मैं बस फ़न के लिए यहाँ आया हूँ, बोल देता भाई टीम रॉकेट को ज्वाइन करने आया तो फिर मुझे ही पकड़ लेते। और ये क्या, ये हमें टीम रॉकेट का ड्रेस दे रही है, वाह भाई। एंड क्या बोलते हो, ये ड्रेस पहन के टीम रॉकेट के लोगों को भाई बुद्धू बनाया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता ये लोग भाई उतने बेवकूफ़ होंगे। और ये भी वही बोल रही है कि यार इतना छोटे बच्चे को नहीं लेते हैं वो टीम में। सो टाइम आ गया है अंडरकवर स्पाई बनने का और हम भी बन जाएंगे भाई टीम रॉकेट मेंबर, अनऑफिशियली बनने वाले हैं क्योंकि भाई टीम रॉकेट कोई नहीं ज्वाइन करना चाहता, तुम जानते ही हो भाई कितने ईविल है ये लोग यार। एंड उसके जड़ तक पहुंचने के लिए यार हमें भी थोड़ा ईविल वाला गेटअप में आना पड़ेगा। ईविल नहीं बनेंगे, हाँ बनेंगे थोड़ा सा भाई, टीम रॉकेट ग्रंट्स को मारने टाइम तो ईविल बनेंगे। और चलो मेरा ड्रेस तो चेंज हो गया है, अब पीका वीका को करते हैं। एंड पीका वीका जॉइनिंग भाई टीम रॉकेट, ये तो टीम रॉकेट का भाई सपना था। और भाई टीम रॉकेट कैप, ये तो बिल्कुल गुंडा की तरह दिखने लगा भाई। देख रहे हो भाई अब ओपी दिख रहा है भाई पिकाचू। एंड यार मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया था यहाँ पे कि जाऊँ तो जाऊँ किधर भाई, इधर ट्रेनर्स दिख रहे थे और इधर सीढ़ी भी दिख रहा था, सो याद आया कि भाई सीढ़ी जाना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। एंड चलो नीचे चला जाए। और अब हम आ गए भाई कौन से फ्लोर में, अच्छा फ्लोर नहीं मेंशन हो रहा है, कोई बात नहीं। क्या लगता है इससे बच पाएंगे? नहीं यार ये बदमाश तो यहाँ पहरेदारी कर रहा है भाई। एंड ये बोल रहा है आई हर्ड दैट यू कैन सी घोस्ट विद सेल्फ स्कोप, ये क्या है भाई? अच्छा हाँ हाँ, और एक यार किसी से मैं सुना था, कोई एनपीसी भी बोल रहा था कि यार तुम घोस्ट को देख सकते हो सेल्फ स्कोप का यूज़ करके, बट उसके बारे में बाद में जानेंगे। अभी यार ये वीनासोर भेज रहा है, वाह भाई वीनासोर लेके आ गया है। लेकिन यार हमारा पहला पोकेमॉन तो म्यूटू रहता है, ये इसे धोएगा भाई। लेकिन ये क्या भाई, हमारा म्यूटू तो चार्ज्ड ही नहीं है, मेरा मतलब हेल्थ ही नहीं है उसका, सो रिकवर मार लेते हैं। रिकवर भाई बड़ा ही ओपी मूव है यार, म्यूटू पे बिल्कुल सूट करता है, देख रहे हो कितना एचपी रिगेन कर लिया। और ये हमें स्लज मारता है जो कि नॉट वेरी इफेक्टिव होगा। एंड सो हम मारेंगे इसे साइबीम और वीनासोर। वीनासोर का नाम देख रहे हो भाई, ये एक सौर है, सौर बोले तो डायनासोर। एंड लेकिन ये काइंड ऑफ फ्रॉग जैसा नहीं दिखता है, देखो तो भाई फ्रॉग जैसा ही मुझे तो लगता है भाई वीनासोर। इनफैक्ट पॉइजन और ग्रास टाइप भी है। और चलो इसे हमने कंफ्यूज तो कर दिया लेकिन भाई फिर भी स्लज मारता है और भाई थोड़ा थोड़ा करके तो हमें डैमेज दे रहा है ये बंदा, लेकिन कोई नहीं ये अटैक में हम इसे फिनिश कर सकते हैं। और ये ले भाई, एंड वीनासोर तो गया भाई। चल टीम रॉकेट ग्रंट अब बता यार मुझे कि भाई क्यूबॉन को कहाँ रखा है तुमने, नहीं तो सही में यार मैं तेरी पिटाई करवा दूंगा म्यूटू से। क्यूबॉन का सैड स्टोरी जान के भाई मेरा ऐसे ही दिमाग ख़राब है। और आई सरेंडर तो बोल रहा है, पूछते हैं भाई बताता है तो। और ये क्या भाई, कुछ नहीं बोल रहा है बदमाश नहीं तो। और ये यहाँ पे क्या है भाई, ये तो एक्सकलेटर्स की तरह दिख रहे हैं, सो क्या बोलते हो? अरे इधर तो नहीं जा सकते, अच्छा उस डायरेक्शन में। अरे भाई ये क्या घूमू करवा रहा है ये तो हमें भाई, इतना घूमेंगे तो भाई हम खड़े भी नहीं रह पाएंगे। और ये क्या भाई, यहाँ से वहाँ फेंक दे रहा है भाई, ये है क्या भाई? अच्छा अच्छा मैं समझ गया, यहाँ पे जो आइटम्स हिडन है ना इनको हम ले सकते हैं भाई यहाँ पे थोड़ा ट्रिक यूज़ करके। और किधर से जाऊँ भाई, इधर से जाऊँ क्या? चलो ट्राई करके देखते हैं। और अरे ये हम कहाँ आ गए भाई, अरे हम मुझे तो उधर जाना चाहिए ना, हाँ उधर जाएंगे तो सही होगा, यहाँ जाएंगे तो वापस पहुँच जाएंगे। लेकिन नीचे चला जाता मैं, ओ भाई सही डायरेक्शन में तो जा रहे हैं, लेकिन फिर मुझे याद आया कि भाई ये पीछे वाला मैंने नहीं लिया, सो यहाँ आते हैं। और भाई यहाँ तो हमें TM रेस्ट मिल गया, अच्छा है भाई, इससे हम क्या बोले अपना स्टेटस कंडीशन जो भी अगर पैरालाइज कुछ भी है वो सब हील करके भाई फुल्ली हील्ड हो जाते हैं, लेकिन दो तीन मूव में के लिए हम भाई सो जाते हैं, वो चीज़ है। कोई टैंकी पोकेमॉन्स के लिए अच्छा है वो मूव। एंड अब किधर जाएं भाई, एंड लग तो रहा है ये सही पाथ है, और हाँ भाई सही तो लग रहा है। एंड अब इधर जाना होगा, अरे यार इधर नहीं, अच्छा नहीं नहीं सही जा रहे हैं भाई, ओ भाई देखो भाई पहुँच गए। अरे यार नहीं नहीं भाई इससे ऊपर वाले में मुझे जाना था भाई, बताओ यार
थोड़ी सी के लिए हम बच गए एंड इतना घूमा कि भाई मेरा सर चकराने लगा। लेकिन भाई फाइनली हम यहाँ पे पहुँच जाते और यहाँ पे एक एलिवेटर दिखता है, लेकिन ये क्या, इट डजेंट अपीयर टू वर्क विदाउट अ की। अरे हमें इसके लिए चाबी चाहिए होगी, सो हमें चाबी कहाँ है वाला सीन में आना पड़ेगा। सो ऊपर चलते हैं और ग्रंट लोंग से पूछते हैं भाई चाबी कहाँ है। सो यहाँ पे एक बंदी है, इसी को पूछते हैं क्या बोलते हो। अच्छा उससे पहले यहाँ पे एक आइटम उठा लेते हैं। अच्छा 5 ग्रेट बॉल मिल गया, ये सही है भाई। और अच्छा नहीं नहीं भाई, ये तो एक क्लोज्ड एरिया है भाई, यहाँ पे चाबी नहीं मिलने वाली। सो वहाँ से मैं वापस निकल के आ जाता हूँ और मुझे भाई यहाँ पे दिखता है कि भाई यहाँ पे है ना पाथ, देखो ये नीचे वाले फ्लोर में हमें जाना है। हाइड आउट है मतलब भाई जितना अंडरग्राउंड इनका बेस है, जितना नीचे चलते जाएंगे उतना हम सही डायरेक्शन में जाएंगे। एंड क्या हम इससे बच पाएंगे? नहीं यार। लुक हु फाइनली शोड अप, वी गॉट वर्ड फ्रॉम अपस्टेयर्स। अरे भाई इनके बारे में तो, मेरा मतलब मेरे बारे में इनको पहले से पता है यार। अब तो कहीं यार हमें ना पीट दे भाई मिल के ये लोग। एंड सो यार जल्दी फल्दी मैं इस ट्रेनर को हरा देता। ये भेजती है भाई ड्रैगनाइट, इसे हराने में थोड़ा तो टाइम लगा था, लेकिन भाई अभी बहुत सारे ट्रेनर से बैटल करना मिलेगा, इसलिए जो मेन मेन फाइट्स होगा उन्हीं को मैं इंक्लूड करूँगा। एंड मैडम को हरा देते और हम यहाँ पे देखते हैं ये आइटम क्या है भाई। अरे भाई डार्क पल्स टीएम है, ये एक नंबर टीएम है भाई, एक नंबर डार्क अटैक है। एंड ये क्या है भाई, मैं अरे यहाँ क्या था भाई, गार्ड्स पैक, ये तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा था हमें। एंड मुझे लगा ना इस आइटम को हम चेक कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मुझे पोके बॉल्स दिख रहे थे, लेकिन वो तो नहीं भाई। लगता है ये लोग भाई टीम रॉकेट भाई पोकेमॉन चोरी करके वही सारे पॉड्स में रखते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिवाइव है, सही है भाई। कुछ मिले या ना मिले लेकिन आइटम बहुत सही मिलता है यार इन जगहों में। और किधर जाना है भाई, अरे यहाँ पे भी ये ट्रिक वाला मेज है, सो चलो चलते हैं। एंड अच्छा हाँ यहाँ पे दिख रहा है भाई पाथ, इधर ही जाना है, लेकिन वहाँ जाएँ तो जाएँ कैसे भाई। एंड यार 3-4 मिनट के भाई ग्राइंडिंग के बाद हम फाइनली इस मेज़ को कवर, क्या बोलते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। एंड ये उतना हार्ड नहीं है, बल्कि तुम इसे खुद से ही कर लोगे, तुम्हें कोई ट्यूटोरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ आ गए, लेकिन यहाँ पे तो एक टीम रॉकेट ग्रंट दिख रहा है, पक्का इससे बैटल करना पड़ेगा, देखो भाई। एंड ये क्या बोलने वाला है भाई, स्टॉप मेडलिंग इन टीम रॉकेट्स अफेयर। ये ऐसा क्या भाई, जब तक तुम लोग गलत काम करते रहोगे तब तक मैं भाई रोकता रहूँगा तुम। एंड चलो देखते हैं ये कौन कौन सा पोकेमॉन यूज़ करने वाला है। और ये फेंकता है भाई पर्शियन, वाह भाई। ओ यार ये तो अलोलन पर्शियन है भाई, देख रहे हो मैं तुम्हें बोला था ना यार, अलोलन मियाउथ और अलोलन पर्शियन एकदम ईविल दिखते हैं। और देखो भाई उसको देख के ही लग रहा है कितना ईविल कैट है ये। एंड एज यूजुअल यार हम हमेशा लो हेल्थ में रहते हैं भाई। क्या बोलोगे यार, खैर कोई बात नहीं, थोड़ा रिकवर मार लेते हैं। एंड अरे ये तो स्टॉम्प यूज़ करने वाला, ओ भाई पिचका दिया मीटू को, देखा तुमने। लॉल यार इतना फनी एनिमेशन बनाया है इन्होंने स्टॉम्प का। सो फिर से रिकवर मार लेते हैं भाई, थोड़ा फुल हेल्थ में आके इसे बताते हैं भाई, हीरोगिरी कर रहा है ना, स्टॉम्प मार रहा है हम पे, वो भी मीटू पे, इसका तो सज़ा इसे मिलेगा भाई। और ये स्मोक स्क्रीन मार रहा है यार, इससे तो हमारा एक्यूरेसी गिर जाएगा, धुआं धुआं कर दिया भाई इसने। एंड सो यार अब टाइम आ गया है बदला लेने का, सो अब मारेंगे हम इसे साइबीम, देखते हैं कितना डैमेज दे। ओह भाई इट डजेंट अफेक्ट, यार कौन सा टाइप है ये, पक्का डार्क टाइप होगा भाई, क्या कॉमेडी यार, बेइज्जती हो गई हमारी तो। सो यार पोकेमॉन स्विच करना पड़ेगा, सो इसके लिए कौन सा पोकेमॉन भेजूँ, ड्रैगनाइट ही फुल हेल्थ में दिख रहा है भाई, और देख रहे हो मॉर्ट्रेस था तो वो ये हो चुका है। सो अगर डार्क टाइप है सो चलो पीका वीका को भेजते हैं, क्योंकि फाइटिंग टाइप अटैक्स डार्क टाइप की छुट्टी करते हैं, बट देखते हैं क्या होता है यार, क्योंकि डबल किक में उतना डैमेज नहीं है उस अटैक में। और भाई देख रहे हो टीम रॉकेट का पिकाचू खतरनाक नहीं दिख, अरे भाई ये क्या हो गया यार, पीका वीका को फाइट ही नहीं करने देते भाई बंदे, कितना प्यार से यार आया था टीम रॉकेट को भाई ट्रिब्यूट देते हुए उसका ड्रेस पहन के, और उसे इतनी गंदी तरह मारा है इसे भाई, अब तो मुझे गुस्सा आ रहा है। चलो आ जाओ ड्रैगनाइट भाई। और देख रहे हो मैं बोल रहा था यार तुम्हें ये ईविल कैट है, सो इस ईविल कैट की तो भाई बैंड बजानी पड़ेगी। एंड इसे दिखाते हैं भाई ड्रैगन का गुस्सा आउटरेज मार के, थ्रैश अटैक में भी बहुत डैमेज है भाई, लेकिन नॉर्मल टाइप अटैक है सो हमें तो नहीं डैमेज देगा, और इससे तुम कन्फ्यूज़ भी हो जाते हो, जस्ट लाइक आउटरेज है। आउटरेज जैसे कि ड्रैगन टाइप का गुस्से वाला अटैक है, वैसा ही थ्रैश है नॉर्मल टाइप के लिए एकदम गुस्से वाला अटैक। एंड ये क्या, हमने तो इसे 1 HP में छोड़ा है भाई, लगता है ड्रैगनाइट भाई थोड़ा मस्ती करना चाहता है, वो बोल रहा है कि भाई मैं इसे और एक बार आउटरेज मारूंगा तब जाके मुझे चैन आएगा। सो यार हम भी साथ दे देते हैं अपने ड्रैगनाइट का, और इस बार तो भाई कंधा वाला मारता है उसे, देख रहे हो भाई खड़ा ही नहीं रह पाता है वो। लेकिन टीम रॉकेट ग्रंट ने अच्छा चैलेंज दिया भाई, इसके लिए तो एक लाइक तो बनता है भाई। एंड हम भी कंफ्यूज हो गए, देखते हैं अब इस नेक्स्ट कौन सा पोकेमॉन है। और नेक्स्ट है चारिज़ार्ड, भाई कॉमेडी करोगे क्या मेरे साथ, इतना ओपी पोकेमॉन लेके आ रहे। सो हम भेजते हैं भाई 2 HP एरोडैक्टल को,
अभी जस्ट हमने चार्जार्ड को पकड़ा है ना यार, मैं भूल गया, उसे भी ट्रेनिंग करना पड़ेगा ना। अच्छा लेकिन पहले वल्वासोर को कर ले रहे हैं, मतलब कि वीनासोर को थोड़ा ट्रेन कर ले रहे हैं, उसके बाद हम भी चार्जार्ड को यूज़ करेंगे। और भाई देखो आ गया ओपोनेंट चार्जार्ड। सो कौन सा अटैक मारे, रॉक स्लाइड मारते हैं भाई, इससे तो उसकी छुट्टी हो जानी चाहिए। और भाई ये ले, वन शॉट कर दिया। कैसा लगा टीम रॉकेट के चमचे भाई, बड़ा उड़ रहा था भाई। पर्शियन लेके जो इसने धुनाई की है सही में भाई, मैं एंटी हो गया था इससे। एंड ये देखो अपना विनासोर भी मस्त लेवल अप हो रहा है। और ये मूव सीखना चाहता है टेक डाउन, ये मैं नहीं सिखाऊंगा भाई। एंड अरे ये क्या कोइंसिडेंस है भाई, उफ टेकन डाउन भाई, देख रहे हो एकदम सिमिलर चीज़ थोड़ा मैच हुआ। हम मूव भी सीख रहे थे टेक डाउन और ये भाई टेकन डाउन भी हो गया। सो चलो नीचे चलते हैं। एंड भाई कितना अंडरग्राउंड है इनका भाई, देख रहे हो भाई एकदम सीक्रेट बेस तो इन्होंने बड़ा ही हैवी बनाया है। एंड यू फाउंड अ हाइपर पोशन, ये काम आएगा भाई। और यहाँ पे भी एक आइटम है, ये क्या है, ये एक पीपी अप है, इससे हम अपना मूव बढ़ा सकते हैं, बोले तो मूव्स का यूसेज। सो इधर चलते हैं। एंड ये क्या भाई, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही बंदा है, सो इससे बात करते हैं। हा 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 व्हाट्स दैट यू से दैट एलिवेटर कूडेंट वर्क, अरे भाई इसके पास है लिफ्ट की, सो इसे हराना पड़ेगा। एंड ये ग्रंट कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट नहीं एक्ट कर रहा यार तुम्हें लगता है। सो यार इसकी कॉन्फिडेंस को हमें तोड़नी पड़ेगी। और भाई बटरफ्ली लेके आया है भाई, क्या मजाक कर रहा है भाई, बटरफ्ली लेके भाई ये गार्डिंग कर रहा था लिफ्ट की, मतलब समझ ही सकते हो भाई ये टीम रॉकेट ग्रंट एक से एक नशा करते हैं। सो ऐसे तो मुझे पता था कि यार हमारे पास टाइप डिसएडवांटेज है, लेकिन मैं सोचा कि चलो ना यार फाइट करके देखते हैं। सो भाई साइबीम तो हैवी डैमेज देता है, अच्छा क्रिट हिट पड़ा इसलिए, और वो यूज़ करता है लाइट स्किन, इससे हमारे एसपी अटैक मतलब कि स्पेशल अटैक जितना भी मारूंगा उसका उससे कम डैमेज पड़ेगा, इससे हमारा एसपी अटैक गिरता नहीं है लेकिन भाई डैमेज कम पड़ता है उसके, ये मूव का ही खासियत है। देखना इस बार देखो, अरे भाई इतना कम डैमेज दे दिया यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया भाई लाइट स्क्रीन का फ़ायदा इसे। एंड अब क्या मारेगा भाई ये, अरे कन्फ्यूज़ हो के भाई इसने खुद को ही मार लिया यार, ये हुई ना बात भाई। ये टीम रॉकेट ग्रंट भाई सही में बहुत कॉमेडी था, एक तो भाई अपने आप को सबसे क्या बोले हाई लेवल का ग्रंट समझ रहा था क्योंकि इसे भाई लिफ्ट की का ये रखवाली करने का ये मिला था, और ऊपर से भाई बटरफ्ली लेके गार्डिंग कर रहा था, बताओ यार। एंड चल चमचे चाबी दे, चाबी दे वरना तेरी तो अब पिटाई करूँगा। एंड ये क्या भाई, चाबी ले गया, अरे भाई ये तो भाग रहा है भाई, चलो चलो इसे दौड़ाते हैं भाई। और ये क्या कर रहा है भाई, आई होप माई बॉसेस डोंट हियर अबाउट दिस। और ये क्या भाई, ये तो ऊपर फेंक दिया भाई इसने, ये कैसा टैक्टिस है भाई, ये तो चीटिंग है भाई, चीटिंग करता है तू और हंस भी रहा है, देख रहे हो, रुको बताता हूँ भाई तुम क्या समझ के रखे हो हमें, क्योंकि हमने भी MPA किया है मास्टर्स इन पोकेमॉन अकेडमी, और भाई ये डिग्री लेके भाई हम बहुत इंटेलिजेंट है, सो हम कुछ ना कुछ रास्ता तो निकाल ही लेंगे। सो मैं देख रहा था कि भाई हम क्या यूज़ कर सकते हैं, किधर से जा सकते हैं, एंड यार कुछ भी तो नहीं मिल रहा है भाई इधर। भाई ये क्या बात हुई, इट्स टू हाई यू कांट रीच इट, पिका ये क्या बोल रहा है पिकाचू, अरे हम नहीं पहुंच सकते लेकिन पिकाचू चढ़ सकता है, हाँ भाई ये सही बात है, लेकिन यार कुछ चाहिए होगा ना उसे चढ़ाने के लिए। सो क्या किया जाए भाई, इधर उधर तो मैं जा रहा हूँ, आइटम्स पे क्लिक कर रहा हूँ, देखता हूँ अगर कुछ होता है तो। एंड ये क्या यार, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा यार, इस टीम रॉकेट ग्रंट से ही बात करना पड़ेगा भाई। एंड देयर इज नो वे यू आर गेटिंग दैट, नॉट अनलेस यू नो सम वे टू वॉक ऑन टॉप। और ये बोल रहा है तुम्हारा पोकेमॉन छोटा और हल्का दिख रहा है, वो शायद से उसके बाद मुंह बंद कर लिया इसने, लेकिन यार हमें तो दिख गया भाई कि कहाँ से पिका जा सकता है, ये देखो भाई यहाँ पे जगह। एंड ये एक इमरजेंसी एग्जिट टाइप का रास्ता है, सो यार हमें कुछ चाहिए होगा। सो अरे यहाँ पे एक चेयर है देखो, हाँ उस पर भाई बैठ के भाई पिका को चढ़ा सकते, सो इस पर क्लिक करते हैं और इसको लेके आते हैं भाई इधर। एंड अब इसमें चढ़ते हैं, चलो चढ़ गए, एंड अब पिका को भेज देते हैं, और ये देखो भाई पिका भी चढ़ गया। देखा MPA का कमाल भाई, और पिका को देख रहे हो भाई पूरा खुश है, वो तो भाई फॉर्म में आ गया भाई कि उसे एक मिशन मिला है, हार्ड मिशन काम कंप्लीट करने के लिए। और लेकिन यार हमें जाना किधर है, इस साइड शायद, अरे लेकिन इधर तो हम नहीं जा पा रहे इधर, अरे वो कौन है भाई, ये तो जियोवनी है शायद टीम रॉकेट का बॉस, भाई इतने क्लोज आ गए हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है जाना किधर है। और मन तो कर रहा था कि यार पिका को बोल दूँ भाई तू थंडरबोल्ट मार के, जियोवनी को थंडरबोल्ट मार के निकल ले वहाँ से, कॉमेडी नहीं हो जाता। लेकिन रुको यहाँ पे पिका को कुछ मिलता है, एंड ये क्या, पिका तो भाई इस लोहे का ये को तोड़ देता है भाई, और हम पाइप से आ जाते हैं इधर। और अरे भाई इसमें तो बिल्कुल मुझे अंडरकवर मिशन वाली फीलिंग आ रही है। और ये देखो भाई पिका पहुंच गया उस एंड में, और भाई पूरा खुश भी है।
एंड ये क्या भाई, यहाँ तो टीम रॉकेट भी और उधर एक बंदा भी दिख रहा है टीम रॉकेट का। एंड ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? जैसे डिड यू हियर समथिंग जस्ट नाउ? जेम्स बोलता है आई डिड, देर वॉज समथिंग, मतलब डेफिनेटली अ नॉइज। और पी पिकाचू भाई चुपके से मतलब थोड़ा सा साउंड करता है मस्ती करने के लिए, लेकिन जेम्स बोलता है वो और कोई नहीं भाई, मियोत का पेट होगा भाई, ये लोग भाई कॉमेडी पब्लिक है। सो यार चलो नीचे बुला लेते हैं पीका वीका को। और भाई आ गया पीका वीका नीचे, हाहा लिफ्ट की आ गया हमें। अब हमें एकदम फर्स्ट फ्लोर में जाना होगा और वहाँ से जो लिफ्ट था उसमें जाना होगा, क्योंकि मुझे लगता है उसी के थ्रू हम इनके पास पहुँच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई बात नहीं और हम वहीं पे आ जाते। एंड चलो अंदर चलते हैं। एंड ये शो कर रहा है बेसमेंट वन फ्लोर या बेसमेंट फोर्थ फ्लोर। भाई जाएँ तो जाएँ किधर भाई, वन फ्लोर में फर्स्ट वाले में जाते हैं। एंड अरे भाई ये कौन सा जगह है भाई? अरे यहाँ पे तो बस एक यही है, इससे कभी फिर कभी बैटल कर लेंगे। मेन वाले जगह में जाते हैं। सो वापस आ जाते हैं भाई फिर से एलिवेटर में, और इस बार हमें सेलेक्ट करना है बेसमेंट नंबर फोर, मेरा मतलब फोर्थ फ्लोर। और अरे आ गए हम, देखो यहाँ पे है टीम रॉकेट। एंड ये भाई हमें देख के भाई यू आर दैट फ्रॉम माउंट मून। एंड टीम रॉकेट तो यार बड़ा ही रूड हमसे बात कर रहे हो और बोल रहे तुम हमारे फॉलो कर रहे हो, तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, जानती हूँ मैं ब्यूटीफुल हूँ, लेकिन भाई जैसी कॉमेडी नहीं बोल रही है। सो मैं इनको सोचता हूँ कि उन्हें ठगते हैं और बोलते हैं कि यार मैं यहाँ टीम रॉकेट को ज्वाइन करने आया हूँ, लेकिन यार ये लोग मेरा ये को समझ जाते हैं और भाई बिल्कुल ही भाई मुझे यहाँ से जाने नहीं देने वाले ये लोग, जब तक से हम इन्हें हरा ना दे। और भाई इट्स पे बैक टाइम बोल के भाई बैटल पे उतर जाते हैं। सो चलो यार इनको थोड़ा मज़ा चखाते हैं। भाई बहुत रूड बात कर रहे हैं, ट्वर्प ब्रैट, ये भी कोई लैंग्वेज है यूज़ करने का यार। एंड जेसी और जेम्स यार दोनों साथ में बैटल्स करते हैं, सो इन डबल डबल पोकेमोन से बैटल करना होगा। और ये नाइनटल्स और विग्लीटफ भेजते हैं और हम भेजते हैं म्यूटू और एरोडैक्टल को। एंड ये क्या भाई, अपना एरोडैक्टल तो रेडी ही नहीं बैटल करने के लिए, लेकिन कोई नहीं भाई उसी में बैटल करेंगे। सो मैं साइबीम मारता हूँ विग्लीटफ को और रॉक स्लाइड मारेंगे भाई दोनों को। हाँ रॉक स्लाइड दोनों को लगेगा, हाँ भाई सही है। एंड ये क्या भाई, मैं तो इनका लेवल ही नहीं देखा, लेवल 69 का पोकेमोन रखे हैं, वाह भाई। और साइबीम तो बहुत कम डैमेज दिया यार, लेकिन रॉक स्लाइड हैवी डैमेज देगा, नाइनटेल्स को तो देगा। और भाई भाई बहुत हैवी नहीं, बहुत कम डैमेज दिया यार, सुपर इफेक्टिव में भी वन शॉट करना चाहिए, लेकिन अच्छा यार नाइनटेल्स फ्लिंच हो जाता है जिसकी वजह से वो अटैक नहीं कर पाएगा। और ये क्या भाई, हमें साइवेव मारता है विग्लीटफ, लेकिन यार हम उससे बच जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर बॉन्डिंग। एंड अब फिर से भाई विग्लीटफ को तो मारना पड़ेगा, सो साइबीम मारते हैं और रॉक स्लाइड ही यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे थोड़ा म्यूटू और जेसी का स्टेयरिंग हो जाता है, क्योंकि भाई ये खुद का तारीफ बहुत ज़्यादा कर रही थी और म्यूटू को भी ये चीज़ पसंद नहीं आ रहा था। सो यार इसके पोकेमॉन को ये साइबी मारता है और विग्लीटफ तो भाई एज यूजुअल टैंक कर लेता है, लेकिन ये रॉक स्लाइड हाँ बस यार एक तीर से तो दो शिकार कर दिया हमने। अब देखते हैं भाई कौन से पोकेमॉन्स भेजते हैं। एंड एक चीज़ बढ़िया है कि यार इनके पास टोटल 6 ही पोकेमॉन है भाई, वरना भाई दोनों के पास 6-6 पोकेमॉन होते तो समझ रहे हो 12 पोकेमॉन से लड़ना पड़ता, और ऐसे ही हमारे सारे पोकेमॉन्स हेल्थ में भी फुल है, फुल्ली हील्ड भी नहीं है। सो यार नेक्स्ट पोकेमॉन भाई फिर से नाइनटेल्स भेज रही, ओ भाई इस बार अलोलन नाइनटेल्स भेज रही है। और जेम्स भेजता है गोलबैट, इस बार भी हमें टाइप एडवांटेज है, लेकिन लेवल भाई काइंड ऑफ 10 लेवल का डिफरेंस है। सो यार हमारे अटैक्स का डैमेज नहीं पड़ रहा और उनके अटैक्स का डैमेज है भी पड़ रहा है हमें। और यार क्या बोलूँ भाई, इसमें इतना ट्रेनिंग हार्ड ही है ना कि यार मैं लेवल अप जल्दी हो नहीं पा रहा हूँ, बहुत ग्राइंडिंग करना पड़ रहा है। एंड सो हम गोलबैट को साइबीम मारते हैं, क्योंकि हमें पता था वो पॉइजन टाइप है और उसकी तो भाई साइकिक टाइप अटैक से भाई वाट लगने ही वाली थी। एंड ये क्या भाई, रॉक स्लाइड लगता तो वो फिनिश ही हो जाता, लेकिन अवॉइड कर लेता है भाई नाइन टेल्स, खैर कोई बात नहीं। एंड गाइज मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछेगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना कि भाई तुम्हें टीम रॉकेट का सबसे क्या बोले भाई मस्त पोकेमॉन कौन सा लगा है, अब मतलब कि ओवरऑल जनरेशंस में। मुझे तो भाई वॉबरफेट का रोल और भाई वो पोकेमॉन बहुत ओपी है भाई। एंड जेम्स भेजता है बीड्रिल, भाई इससे तो बच के रहना होगा थोड़ा। सो क्या मारे भाई, साइबीम मारते हैं नाइनटेल्स को और रॉक स्लाइड मारते हैं भाई दोनों को। एंड हम तो यार क्लच मूवमेंट कर दे रहे हैं, देख रहे हो भाई एरोडैक्टल कब से 1 HP में जिंदा है भाई। एंड सो साइबीम मारा है, देखते हैं नाइनटेल्स को कितना डैमेज देते हैं, ओ भाई अच्छा डैमेज दिया हमने। एंड लेट्स सी रॉक स्लाइड क्या डैमेज दे पाता है भाई, ओ भाई हैवी डैमेज, लेकिन फिनिश नहीं कर पाए किसी को यार। एंड नाइनटेल्स यूज़ करने वाला है पेटल डांस, ये नहीं डैमेज देगा ज़्यादा भाई, इतना डैमेज दे रहा है भाई, कैसा अटैक है पेटल डांस भाई। एंड बीड्रिल मारने वाला है एक्सीजोर, भाई किसे मार रहा है, अरे भाई एरोडैक्टल को मार रहा है, अगर म्यूटू को मारता ना भाई उसकी तो बैंड बच जाती भाई, लेकिन क्या बोलोगे भाई
एरोडैक्टल की भी तो भाई पहले से बजी हुई थी क्योंकि 1 HP में था। सो हम बेचते हैं ड्रैगनाइट को, यही बचा है भाई ओपी पोकेमॉन हमारे पास। एंड यार जैसा कि वो घोस्ट टावर में भाई पोकेमॉन्स खुद ब खुद हील हो जाते थे एक जगह पे, यहाँ पे भी भाई वैसा जगह होना चाहिए था, क्योंकि भाई देख रहे हो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरे मैक्सिमम पोकेमॉन्स की भाई वाट लग गई थी, और कितना ही भाई पोशन ये सब खिला के जाएंगे भाई। सो आउटरेज मारेंगे हम भाई जिसको भी लगेगा ऑटो टारगेट करता है आउटरेज, और साइबी मारते हैं इस अलोलन नाइनटेल्स का, और ये तो गया भाई, साला बहुत देर से उछल रहा था, देख रहे थे यार म्यूटू को पेटल डांस पे पेटल डांस मार मार के भाई उसका लो हेल्थ कर दिया। एंड अब आउटरेज पड़ेगा भाई बीड्रिल को, बीड्रिल तो नहीं बच पाएगा, और ये क्या भाई जाते जाते उसने एक सीजर मार दिया म्यूटू को, भाई बहुत ख़राब किया यार बीड्रिल ने हमारे साथ क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार म्यूटू बच जाएगा। सो यार इसे मारना पड़ेगा, बुड़ुम बड़ाम दे दिया मैंने, इसकी धुनाई कर दी, क्योंकि यार वो बच जाता भाई, म्यूटू बच जाता, ये भाई इसने पर्सनल मारा है म्यूटू को। सो अब किसे भेजे यार, वीनस और कोई भेजते हैं, ऐसे तो लेवल बहुत कम है लेकिन क्या कर सकते हैं, और पोकेमॉन्स ही नहीं बचे हैं हमारे पास। एंड क्या लगता है यार क्या ये बैटल हम हार जाएंगे टीम रॉकेट से, मुझे तो नहीं लगता है भाई। ओ भाई पॉलीराइट भेजा है, अच्छा है, सही है भाई, लास्ट पोकेमॉन है और हमारे पास 2 पोकेमॉन। एंड वीनस और के पास तो भाई बड़े टॉक्सिक मूव है, लीच सीड, पॉइजन पाउडर, स्लीप पाउडर, सो वो सब नहीं मारेंगे, मैं वाइन वेप मारता हूँ, और ये हमें ही भाई फेक आउट मार रहा है, लेकिन बच गए हम। लेकिन भाई फिर ड्रैगनाइट गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि यार मेरे रहते हुए मेरे से बैटल करो भाई, उससे क्यों मार रहे हो लेकिन ये क्या भाई, पॉलीराइट तो भाई हैवी ट्रेनिंग करके आया है, आउटरेज का भी इसे कम डैमेज पड़ रहा है, सो कोई बात नहीं यार फिर से मारेंगे भाई, और इस बार मेडिटेट यूज़ कर रहा है, इससे उसके अटैक बढ़ जाएंगे शायद। हाँ भाई अटैक बढ़ गया, लेकिन यार अब तुम बचोगे ही कहाँ भाई अटैक मारने के लिए, और ये ले, ओह शिट बस 1 ही HP पे बचा है, सो अच्छा रुको विनसौर का अटैक बचा, और ये ले भाई वाइन वीप, भाई वाइन वीप का एनिमेशन देखा खतरनाक ही था। एंड टीम रॉकेट की तो बैंड बज गई, हे अब इनका भाई एक्सप्रेशन देखना भाई, हारने के बाद हमेशा से भाई एकदम कॉमेडी वाला एक्सप्रेशन देते हैं ये लोग। टीम रॉकेट एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा यार, तुमसे बैटल करना बहुत हार्ड पड़ा यार मुझे इस टाइम पे, एंड सच अ ड्रेडफुल ड्रॉप, फिर भी बेइज्जती कर रहे हैं भाई क्या बोलोगे इनको यार। जेम्स लग रहा है अब सुधर गया है, लेकिन यार जेसी भाई कुछ ज़्यादा ही कर रही है, इसे तो लग रहा है मैं पकड़ के 2-3 तमाचे झड़ दूँ भाई। एंड फिर से ये लोग कॉमेडी बात बोलते हैं कि यार तुम ये अपने दिमाग में मत ले लेना कि यार तुम्हारे पोकेमॉन स्ट्रॉन्गर है, बस तुम्हारे पोकेमॉन थोड़े से स्ट्रॉन्गर है इसलिए तुमने हमें हरा दिया। लेकिन ये क्या, ये लोग तो ब्रूट फोर्स यूज़ करने हैं भाई हाथापाई पे उतर के, लेकिन पीका विका आ जाता है और बोलता है हाथापाई करेगा आ जा मेरे से, लेकिन भाई पीका विका का थंडर बोल्ट देख के ही भाई ये लोग भाग पड़ते हैं। एंड अब रास्ता साफ है, अब टाइम आ गया है टीम रॉकेट के बॉस भाई जियोवनी से भाई मिलने का, लेकिन वो चीज़ करेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। सो गाइस कैसा लगा तुम्हें ये एपिसोड कमेंट करके ज़रूर बताना, सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, क्योंकि ये लेट्स गो पिकाचू का सीरीज मैं तो भाई बोल रहा हूँ भाई तुम मिस बिल्कुल ही नहीं करना चाहोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन द गुड्स द बाइज़।